सोडा का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में बताओ क्या आता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 बेहतरीन फायदे सोडा वाटर के। आपको पता है सोडा को इस तरह से बदनाम किया गया है कि सबको ऐसा लगता है कि उसका कॉम्बिनेशन ना कुछ डिफरेंट ही चीजों के साथ बनता है, बट ऐसा नहीं है। सीरियसली बोल रही हूँ, सही तरीके से अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत लाभ मिलते हैं दोस्तों। शिकंजी जो होती है, बिना चीनी बिना मीठे की जो शिकंजी होती है, उसमें आप सोडा मिक्स करके पियो, बहुत बेहतरीन होता है। गर्मी के दिनों में जब हम धूप से, चिलचिलाती धूप से हम आते हैं, सोडा मिल जाए लेमनेड के साथ, नींबू पानी के साथ मिक्स करके आप पियो, बहुत अच्छा लगता है और उसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता है दोस्तों। लेकिन हम क्या करते हैं, सोडा हम डालते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन उसके सारे जो अच्छे तत्व होते हैं ना, वो बिगाड़ देते हैं जब हम उसमें शुगर से बना हुआ इतना सारा सिरप डाल देते हैं, कोई ऐसा अल्कोहलिक ड्रिंक डाल देते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिक्स कर देते हैं जिससे गई भैंस पानी में, सारे फायदे खत्म हो जाते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 बेहतरीन फायदे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत बेनिफिट में, और मैं हूं मोनिका। सबसे पहला फायदा है सोडा वाटर का, वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की बहुत आदत होती है दोस्तों, वो अपने कोल्ड ड्रिंक को सोडा वाटर से रिप्लेस कीजिए। लेकिन 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 आपने सोडा वाटर में कुछ और मिक्स नहीं करना है, सिर्फ नमकीन जो होता है यानी सॉल्टी वाटर आप मिला सकते हैं उसमें नींबू के साथ। अगर कोई फ्रूट जूस आप लेते हैं तो भी आपने एडिशनल कोई शक्कर मिक्स नहीं करनी है उसमें, कोई शुगर सिरप नहीं, कोई सफेद चीनी नहीं, कोई शहद नहीं, कोई ब्राउन शुगर नहीं। अगर आप दिन में 2 से 3 बार आप सोडा वाटर का सेवन करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि अपेक्षाकृत आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब आप में एनर्जी ज्यादा होती है तो वर्कआउट ज्यादा कर पाते हैं, तो आपका वजन कम होने में बहुत ही लाभ मिलता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आजकल हम तला हुआ भोजन, मतलब नॉर्मली लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में विषाक्त तत्व जो होते हैं, विषैले तत्व जो होते हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है और लंबे समय तक आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, पानी की कमी नहीं महसूस होने देता है। इस तरह से ये बहुत अच्छा है अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा फायदा है, पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा है। अगर अमूमन आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम रहती है तब आपके लिए सोडा वाटर बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो आपकी मतलब खाने में से ये जो पेय पदार्थ होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं जिसमें काफ़ी हद तक सिर्फ मीठा होता है, इतनी कैलोरी होती है इसमें, इतना मतलब शुगर होती है, इतना मतलब वो चीजें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। सोडा वाटर हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसका सेवन जब आप नींबू या चाट मसाला वगैरह इस तरह के सेंधा नमक, काला नमक इस तरह से अगर मिक्स करके पीते हैं तो आपकी गैस पेट में जो बन जाती है वो अच्छे से रिलीज होती है। अपच अगर हो गई है, बदहजमी हो गई है, आपको भूख नहीं लगने की है, ज़रूरत से ज़्यादा भूख जब लगती है तो ये समस्याएं आती हैं पेट संबंधी। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और आपके पेट को साफ करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तब भी सोडा वाटर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगला फायदा है, हमारे शरीर में विषैले तत्वों को एकत्रित नहीं होने देता। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये हमारे शरीर को मतलब बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि इसको जब हम पीते हैं नींबू, सेंधा नमक, काला नमक या चाट मसाले के साथ जब हम पीते हैं तो हमारा पेट अच्छे से क्लीन होता है। और साथ ही साथ जब हमारा मतलब मोस्टली हम गर्मियों में ही पीते हैं तो जब हमारा स्वेट यानी जो पसीना होता है उसके जरिए भी मतलब उस रास्ते से भी रोम छिद्रों से भी विषैले तत्व हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। एक दो बार ऐसा लगता है कि थोड़ी अजीब स्मेल आ रही है, लेकिन जब आप रेगुलरली शुरू कर देते हैं तो वो एक सर्कल बन जाता है कि
कि बॉडी ने डिटॉक्स होना ही है, पसीने से आपके वेस्ट प्रोडक्ट जब बाहर निकलते हैं बॉडी से तो बॉडी डिटॉक्स होती है, पाचन क्रिया जब ठीक होती है, डाइजेशन जब ठीक होता है तो हमारी बॉडी में विषैले तत्व एकत्रित नहीं होते हैं। और वैसे भी मैंने आपको भी बताया कि आपका पेट अच्छे से क्लीन करने के लिए ये बहुत ही मददगार साबित होता है। लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ कि इसका सेवन आप नींबू, सेंधा नमक, चाट मसाला, काला नमक इन सब चीज़ों के साथ ही करेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप किसी और सिरप के साथ इसको मिला के पीते हैं तो इसके फ़ायदे नहीं नुकसान होते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम मिलेंगे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आपने खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है और दोस्तों अपना खूब सारा ध्यान रखना है। बाय बाय।